कड़ाके की ठंड के बीच यहाँ पर सुबह उठकर पहले पानी गर्म किया जा रहा है भाई सगट में। आज रोज की दिनचर्या है, जाड़ों में ऐसा होता है और दिन में खाने के लिए बन गया है गर्मा गर्म भट के टुके, यदि कि भट में इनको भिगाया गया और भिगाने के बाद इनको सिल भट्टे में पीस कर फिर बड़े से जो कढ़ाई होती है जिसमें कि अच्छे से पल जाए, छोटे में ये गुब्बारा आता है क्योंकि इसमें जो धूप की मात्रा है वो भी इसमें होती है तो काफ़ी लाभदायक है ये। तो उसको बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरे पोसे यानी कि जो उसमें मसाले वगैरह सब डाल के इसको बीच बीच में जो पलटा है उससे इसको हिलाते रहना पड़ेगा हमको। और आज अपने हिसाब से धीमी हो तो अच्छा है, तेज भी कर सकते हैं। तो ये बनाया भाई भट की वो भट पे डुबकी, भट की रजड़ी भी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी जो स्वास्थ्य है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो ये देखिए पूरे भी यहाँ धीरे धीरे बन चुके हैं और धीरे धीरे उसका इसमें तब तक ढक्कन नहीं, ढक्कन लगा सकते हैं लेकिन ढक्कन तब तक नहीं लगाएंगे क्योंकि इसे पता नहीं चल जाएगा कि कम उसको हिले। देखिए जिस प्रकार से दूध के ऊपर मलाई पैक की लग जाती है तो उसी प्रकार से यहाँ भी भट की राजड़ी जो बनती है उसमें भी ऊपर से मलाई टाइप की लगती है और यही काफ़ी टेस्टी इस पूरी जो डिश है ये काफ़ी टेस्टी होती है। पहाड़ और पारंपरिक चूल्हे में ये बनाई जा रही है और ये है जी डिश। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने खाई होगी और बनाई भी होगी, आज खुद ही बनाने की छुट्टियाँ पड़ी हैं जाड़ों की तो खुद ही बनाने का मौका बनाई जा रही है। भट के डुबके बनाए जा रहे हैं भाई गर्मा गर्म, ये देखिए धीरे धीरे ये अब अपने चरम पर है यानी कि ये धीरे धीरे इसको मिलाकर हम आपस में कर लेंगे और इसको ये देखिए उबाल आने लग गया है। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि मैं अब जो है पकने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, यानी कि थोड़ा तो इसके बीच में फिर इसमें पलटा बीच बीच में इसमें पलटा हमको देना ही देना होगा क्योंकि पलटा देंगे तो ये देखिए इसको नहीं तो उबाल आ जाएगा। उबाल आएगा तो देखो इतना बड़ा है कि अगर इस पूरे बड़ा इसमें देखा जाए तो कम से कम इसको 8 से 10 लोग के लिए पर्याप्त है ये, और जो कम मात्रा में खाते हैं तो कम से कम 15-20 लोग भी इसको आराम से टेस्ट कर सकते हैं। आप इसको चावल के साथ और रोटी के साथ किसी भी प्रकार से और बिना उसके कोई स्नैक्स इस टाइप किसी भी आप इसका यूज कर सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद है। देखिए ये पूरी डिश बन रही है और मेरे को अभी से मुँह में पानी आने लग गया है और कुछ लोग जिनको लोग मिस कर रहे होंगे इस चीज़ को तो वो लोग भी काफ़ी याद आ रही होगी उनको घर की कि हाँ यार घर में बैठ के चूल्हे में गर्मा गर्म भटा डुबुक इसी बनाई जैसी और सिखाई जैसी बनो ची या आम बनो ची। तो ये वो यादें हैं जो आपके साथ संजोए हैं। तो बने रहिए इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले बटन को भी दबा लीजिएगा। तो बने रहिए, धन्यवाद।